प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। SBI डेबिट या ATM कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब ATM से 10,000 रुपए से अधिक की निकासी करने पर OTP की जरूरत होगी। ये व्यवस्था 18 सितंबर से लागू होने जा रही है। SBI ने अपने सभी ग्राहकों से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराने को कहा है। OTP बैंक खाते से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ही भेजा जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक बैंक ATM की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए ये नियम ला रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जनवरी 2020 को रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ATM से पैसे निकालने पर OTP की व्यवस्था की थी, लेकिन 18 सितंबर से ये नियम पूरे समय के लिए लागू हो जाएगा। 18 सितंबर से नए नियम के मुताबिक ही पैसे की निकासी करनी होगी। 10,000 या उससे अधिक की निकासी पर डेबिट कार्ड पिन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में भेजा गया OTP भी डालना होगा, तभी पैसे की निकासी हो पाएगी। SBI ने प्रायः 10,000 रुपये से अधिक की निकासी करने वाले ग्राहकों से अपना नंबर अपडेट कराने को कहा है। उपभोक्ताओं से बैंक ने अपील की है कि जिस नंबर का इस्तेमाल वे वर्तमान में कर रहे हैं उसी को पंजीकृत करवाएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।